भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है सिडनी के मैदान पर, जहां पर भारतीय टीम 187 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है। बता दें आपको कि भारतीय टीम के फिलहाल 2 विकेट गिर चुके हैं और कप्तान विराट कोहली फिलहाल क्रीज पर हैं और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली ने 41 गेंदों में शानदार 50 रनों की पारी खेली है। बड़ी बात यह है कि विराट कोहली की पारी ऐसे समय पर आई है जहां से एक बार फिर टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जगने लगी हैं। हालांकि फिलहाल टोटल बहुत बड़ा है और इस टोटल को चेस डाउन करने के लिए विराट कोहली का टीम में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विराट कोहली अगर क्रीज पर रहेंगे तो वो शानदार तरीके से भारतीय टीम को जीत दिला सकते हैं, क्योंकि कोहली ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को बहुत जल्द फिनिश कर देंगे। हालांकि संजू सैमसन भी विराट के साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल 12 ओवर में मात्र 94 रन ही हैं और आखिरी 8 ओवर में 93 रनों की ज़रूरत है। 11.62 का औसत है। विराट कोहली ने 42 गेंदों में फिलहाल 52 रन बनाकर नाबाद पारी खेली और सबसे ज़्यादा अर्धशतक उन्होंने जड़ दिए हैं यहाँ पर टी20 फॉर्मेट में। 25वां अर्धशतक था विराट कोहली का और ज़बरदस्त बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या यहाँ से वो भारत को जीत दिला पाएंगे या नहीं, लेकिन मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो गया है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।